पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करम् मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरसाशनम् मंगल वीरसा वंदितो तो सौ सिद्धि धुवमचल मनोभव गंपते पाहुड समय सुद मृण मुसुदेवलीत समय सार अद्भुत है आचार्य कुंद कुंदेव देव के द्वारा लिखा हुआ और कितनी बड़ी बात है महावीर की वाणी को प्रस्तुत करना आम जनता की भाषा में प्राकृत भाषा में ऐसी प्राकृत भाषा जो स्त्री को मंद बालक को मूर्ख को निम्न वर्ग के लोगों को भी समझ में आ जाए ऐसी आम भाषा में राष्ट्रीय भाषा में प्राकृत भाषा में इन छंदों को छंदोवत किया गया है और सबसे ज्यादा प्राकृत भाषा में भी सबसे प्रिय भाषा प्राकृत में शौर प्राकृत होती है प्राकृत भाषा भाषा बहुत प्रिय होती है उस भाषा में कुंद कुंद स्वामी ने महावीर की मधुर वाणी लिखी है प्रिय वाणी लिखी है आत्म कल्याणी जग कल्याणी जन कल्याणी वाणी लिखी है हितकारी कहते हैं मुनि बोलते नहीं है और बोलते हैं तो अमृत झरता है मुनि लिखते नहीं है और लिखते हैं तो आत्मा का वैभव लिख देते हैं जग सोहित श्रुति सुखत सव सं हारे रोग हर के बचन मुख चंद्र ते अमृत झरे झुरी झुरी आवे जिनवाणी महावीर से झुरी झुरी वाणी आई कुंद तक पहुंची कुंद ने हाँ, लिख दी उतार दी परम उपकारी है क्या लिख दिया क्या कह दिया कि भाई देखो तुम जीव को जीव मानो अजीब को अजीब मानो जीव को अजीब में मत डालो अजीब को जीव में मत डालो उसके गुण को इसमें मत डालो और इसके गुण को उसमें मत डालो दोनों के गुणों को गुणों में रहने दो और आप अपने आप में मस्त रहो अच्छा यदि हम ऐसा कर लें जीव को अजीब में डाल दें अजीब को जीव में डाल दें तो क्या दोष आएगा तो गाथा नंबर बासठ जीवो चेब ही ए दे सवे भावति मन से जदि ही जीवस्या जीवस्य जीवस्या जीवस्य या नथि विशेषो दूदे कोई आ दे, दे कोई नहीं दूदे कोई जीवो चेवे ही ए सबे भावती से जदि जीवसा जीवस या नशेषो दू दे कोई मैं ही जीव है तुम यदि मानो इस तरह तवे जीव और अजीव में अंतर करोगे किस तरह अरे भैया जो स्थूल दिखने वाला पुद्गल है एक पुद्गल दूसरे पुद्गल रूप ही नहीं होता है वो भी अपने निज धर्म को नहीं छोड़ता है फिर तो ये बहुत डिफरेंट चीज़ हो गई जीव और अजीब की पहले अनवस देख लेते हैं एक बार यदि ही यदि ऐसा ही ती मन्न से मानोगे कि ये दे सभ्य भाव ये सब वर्णाधिक सर्वभाव जीवो जीव ही है दो तो दे तुम्हारे मत में जीव साजीवश या जीव और अजीब का कोई कोई विशेषो भेद नथी नहीं रहता है फिर क्या विशेष रहता है दोनों में जीव और अजीब में मनुष्य भी जीव है और पशु भी जीव है फिर दोनों में विशेषता क्या है हम्म एक काम करो कल से पशु को रखो मंदिर में पूजा पाठ करना प्रारंभ करो क्योंकि जीव तो वो भी है जीव तो वो भी है दोनों एक होते हुए भी धर्मो विशेषा एको विशेषता दोनों में सिर्फ एक विशेषता है ये धर्म रत्ना त्रय प्रकट कर सकता है निश्चय रत्ना त्रय को प्रकट कर सकता है और पशु जो है धर्म रत्ना त्रय निश्चय को प्रकट नहीं कर सकता है बस इतना ही अंतर है तो दोनों में विशेषता किससे आती है किससे आती है धर्म को लेकर के आती है निश्चय रत्नत्रय को लेकर के आती है रत्नत्रय की एकता को लेकर के आता है ये विशेषता दोनों में है इसके कारण दोनों को क्या करता है ये अलग है पशु में पशुत्व है पशुपना है विचार बुद्धि सही नहीं है समझ बुद्धि सही नहीं है सिर्फ भोग और भोजन की बुद्धि है भोगने की बुद्धि है भोजन को बार बार ग्रहण करने की बुद्धि है इसके अलावा भोग से हटकर के योग की बुद्धि नहीं है और भोजन से हटकर के भजन की बुद्धि नहीं है योग और भजन में जाने की बुद्धि मनुष्य में होने के कारण दोनों में एक दूसरे की विशेषता नजर आती है दोनों में भिन्नता नजर आती है सोचो जीव जीव एक होने के बाद में जीव की प्रणति अलग अलग है पुद्गल पुद्गल एक होते हुए भी हर पुद्गल की प्रणति अलग अलग है सोना का स्वरूप अलग है और चांदी का स्वरूप अलग है कितनी प्रकार की धातुएं होती हैं एक काम करो सोना चांदी पीतल इन सबको एक साथ मिला दो डॉक्टर साहब जी मिला दो एक कुछ नई चीज बना दो क्रिएट कर दो बोलो सोना चांदी हो गया चांदी सोना हो गया तामा सोना हो गया जिंक सोना हो गया चांदी हो गया कुछ नहीं हो गया सब अपने अपने में मस्त है सोना सोना है चांदी चांदी है अभी फिर से प्रोसेस करो वही पिघलाओ और देखो सुनार क्या करेगा इतना सोना है इतना चांदी है इतना ये सब निकाल कर अलग अलग रख देगा क्योंकि सबके गुणधर्म सबके गुणधर्म अलग अलग है सबकी क्वालिटी अलग अलग है यद्यपि सारे जड़ हैं यद्यपि सारे अचेतनत्व स्वभाव वाले हैं उनमें कोई ज्ञान दर्शन नहीं है उनमें कोई सुख नहीं है चैतन्य का एक भी गुण नहीं है लेकिन जब पुद्गल पुद्गल अपने धर्म को नहीं छोड़ रहा है पुद्गल के साथ मिलने के बाद कितनी गजब की बात है ध्यान रखो कि पुद्गल पुद्गल के साथ रहे पर पुद्गल पुद्गल अपना धर्म न छोड़े बोले नहीं मैं तेरे साथ रहूंगा लेकिन बेटा मैं तो मैं हूं तू तो तू है नदिया जो बहे नदिया जो बहे सागर में मिले एक बूंद से बूंद मिले तू तू ना रहा मैं मैं नाराह बस ज्ञान ही ज्ञान रहा एक आत्मा सिद्ध आत्मा में अनंत आत्माएं समा जाए और तू, तू मनुष्य था तो ये था वो वो न रहा बस क्या हो गया नदिया जो बहे सागर से मिले और बूंद से बूंद मिले तू तू न रहा मैं मैं न रहा बस ज्ञान ही ज्ञान रहा क्या रहा अरे तू मनुष्य था तू महिला थी पुरुष थी ये सारे थी पर्याय थी ना तो तू तू, तू न रहा मैं मैं न रहा हम क्या हो गए मात्र बोलो बस ज्ञान ही ज्ञान बस तुम ज्ञानी हो ज्ञानी रहे हम ज्ञानी हम ज्ञानी रहे जानन हार रहे, इसके अलावा क्या कमाल की बात है पुद्गल भी पुद्गल के साथ रह के अपना धर्म न छोड़े बनाओ सब्जियां बनाओ खिचड़ी नमक नमक ही रहेगा मीठा नहीं हो जाएगा एक काम करो नमक को सौ साल तक मीठे के साथ रखो थोड़ा तो मीठा हो जाना चाहिए उसको या मीठे को रखो खारे के साथ थोड़ा तो खारा हो जाना चाहिए उसको क्या होता है एक दृष्टांत है वैसे मीठा भी खारे में परिवर्तित हो जाए पुद्गल की ऐसी व्यवस्था है कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो स्वयं हो लेकिन उसकी संगति से हो ऐसा जरूरी नहीं है सब्जी बनाओ किस चीज का स्वाद आता है तेल का अपना आ रहा है नमक का अपना आ रहा है क्यों थोड़ा सा नमक कम होता तो क्या क्या स्वाद आता तुमको हुँ? स्वाद क्या आएगा सामने वाले का स्वाद चखा देंगे ठिकाने लगा देंगे समझ में नहीं आता तुम्हें भोजन बनाना भी नहीं आता है उसमें थोड़ा सा नमक कम होते ही सारा भोजन नीरस लगने लग जाता है बेकार लगने जबकि जब सब कुछ स्वादिष्ट है सब में विटामिन सब में शक्ति है लेकिन थोड़ा सा लवण डाल डालते ही हर चीज का टेस्ट है सब मिक्स होने के बाद मिलने के बाद भी वो अपने अपने गुण धर्म को नहीं छोड़ रहे हैं। अपने पर्याय में प्रणमनशील है सोचो जड़ जड़ एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं तो चेतना कैसे जड़ के साथ मिल जाएगी या चेतना जड़ के साथ कैसे मिल जाएगी दोनों अपने अपने गुण धर्म कैसे छोड़ सकते हैं हु? सब द्रव अपने आप अप में मस्त है यूं कहो एक दूसरे में वज्र की दीवार खड़ी हुई है किसकी दीवार है किसकी दीवार है वज्र की दीवाल तोड़ी नहीं जाती है ऐसे ही एक द्रव्य के बीच में दूसरे द्रव्य के बीच में कौन सी दीवार है जो तुम्हें दिख नहीं रही है बेटा भले साथ साथ रह लो लेकिन हम जुदा जुदा हैं हम अलग अलग हैं जीवो जीव एदे सभ्य भावत्य से जीवा यदि यदि तुम इन सभी के भावों को पुद्गल आदि के वर्ण आदि के भावों को जीव के भाव मानते हो तो फिर जीवा जीवस से विशेष फिर जीव और अजीब में विशेषता यदि नमक और मीठा शक्कर दोनों यदि मिलकर के एक हो जाते हैं तो दोनों में फिर अपनी विशेषता अपनी विशेषता क्या रह गई? बोले नहीं नमक नमक है और मीठा मीठा है आत्मा आत्मा है और पुद्गल पुद्गल है वर्ण में में है, कर्म कर्म है, नोकर्म नो कर्म है अपने पुद्गल के साथ है पुदलात्मय पुद्गल, है जड़ात्मय है वो चेतनात्मय कभी नहीं हो सकते हैं कथनचित चेतना को भी अचेतन कह दिया जाता है और कथनचित अचेतना को भी चेतन कह दिया जाता है मात्र एक संगति के कारण चेतना ने अचेतन की संगति की तो कथनचित तू भी जड़ जैसा है और जड़ ने चेतना की संगति की इसलिए कथनचित जड़ तू भी कैसा है जैसे ये शरीर हमारा चेतन शरीर कहलाएगा सुनो ध्यान से नोकर्म चेतन नोकर्म अचेतन नोकर्म जब तक चेतना के साथ ये नोकर्म है तो हम इसे कौन सा नोकर्म कहेंगे चेतन नोकर्म कहेंगे और जब ये शरीर से आत्मा निकल जाए तो यही शरीर कौन सा नोकर्म हो गया जिस पत्थर में बैठे हुए ये कौन सा नो कर्म है अचेतन कर्म है लेकिन जब तक यह पर्वत से जुड़ा हुआ था जब तक यह जीव से जुड़ा हुआ था तो इसको स्पर्श करते उसको भी दर्द होता था उसको भी अनुभव होता था उसको भी ठंडी गर्मी बरसात का अनुभव होता था उसके संक्लेष परिणाम होते थे उस पत्थर को जीव कहा जा रहा था क्या कहा जा रहा था वो पत्थर को जीव कहा जा रहा था वो उसका शरीर था वो तो उसके माध्यम से उसको नॉलेज होता था सारा शरीर में स्पर्शन इंद्रिय अंदर बाहर सब जगह उसका उपकरण है और कोई भी शरीर में हलचल कुछ भी होती है तो तुरंत आत्मा को उसको ज्ञान होता है किसके माध्यम से होता है पूरा स्पर्शन इंद्रिय बाकी इंद्रियां तो निश्चित स्थान पर है स्पर्शन इंद्री अनिश्चित स्थान है सर्वांग शरीर में अंदर बाहर कहीं भी हर जगह कौन सी इंद्री है बोलो स्पर्शन इंद्री है उसका बाह्य उपकरण भी उसका है और उस उपकरण में कुछ भी टच हो कुछ भी हल्का फुल्का परिवर्तन हो तो तुरंत की तुरंत उसके माध्यम से आत्मा में ज्ञान प्रकट होता है कि ये क्या हुआ अब ज्ञान प्रकट होने के बाद अब मुझे ज्ञानी बनना है कि अज्ञानी बनना है अज्ञानी बनकर के रो पिटू हंसू क्या करूं या ज्ञानी बनकर के समता भाव रखू क्या करूं बस इतना काम है तो वो स्पर्शन इंद्री भी सचेतन है क्या है भाव स्पर्शन इंद्री सचेतन है द्रव इंद्री अचेतन है लेकिन भाव इंद्री का या आत्मा की संगति के कारण उसको भी हम चेतना कथनचित कहते हैं यद्यपि ऐसा नहीं है लेकिन हमारी साधुवाद की शैली और साधवाद की शैली में हम हमसे जो जो घटित होता है हम वो वो घटित करेंगे यही तो विस्तार है तत्व का जी वो अन्य पुद्लस अन्य बस इतना तो है पर इससे ज्यादा सब कुछ उसका विस्तार है तो आप विस्तार करो सिया से जितना विस्तार कर सकते हो जितना समझा सकते हो जितना समझ समझ सकते हो लगे रहो जब तक मोक्ष ना हो जब तक मुक्ति की प्राप्ति ना हो तब तक यह कितनी बात कह रहे हैं भाई यदि आप वर्ण आदि जीव के भाव मान लोगे तो फिर तो आपके मत में जीव अजीव कोई विशेष नहीं रहा अभी आगे गाथा आएगी फिर बोले तुम किसका मोक्ष मानते हो जीव का कि पुद्गल का जब वो अजीब ही हो गया वर्ण आदि ही जीव हो गया तो वर्ण तो अजीब है तो तुम्हारी आत्मा जीव नहीं रही अब तो क्या हो गया अजीब तो अजीब का मोक्ष हो रहा है आएगा गाथा आएगी पर अब यहां समझो जीवा जीव से विशेषो, विशेष हो कोई विशेषता नहीं रह जाएगी ध्यान रखो भाई बिना विशेषण के कोई विशेषता नहीं रह सकती है हर व्यक्ति विशेष तभी है जब उसमें विशेषण हो नाउन प्रोनाउन को मोडिफाइव करने के लिए एडजेक्टिव होते हैं बिना एडजेक्टिव के नाउन प्रोनाउन में कौन विशेषता लाएगा डॉक्टर साहब को लाएगा नहीं ला सकता है संज्ञा में सर्वनाम में यदि उसको और अच्छा बनाना है तो गुणवाचक कुछ लाना पड़ेगा ये व्यक्ति अच्छा है बुरा है ऐसा तो लाना पड़ेगा ना ये सज्जन है दुर्जन है धर्मात्मा है अधर्मात्मा है पुण्यात्मा है पापात्मा है कुछ तो बनेगा ना ऐसे ही चेतना के भी बहुत सारे विशेषण होते हैं साधारण और असाधारण असाधारण विशेषण जो होते हैं वो कहीं किसी में पाए नहीं जाते उस चेतना में ही पाए जाते हैं और साधारण जो होते हैं वो औरों में भी पाए जा सकते हैं असाधारण जो हैं वो अनुजीवी हैं जीव के साथ साथ रहने वाले हैं साधारण जो हैं वो परजीवी भी हैं औरों में भी पाए जाते हैं अमूर्तत्व आकाश में भी पाया जाता है और जीव में भी पाया जाता है इसका यह मतलब नहीं कि आत्मा जो है आकाश हो गई हो या आकाश आत्मा हो गई हो ये जीव का साधारण लक्षण है जो सामान्य में सब में पाया जाए लेकिन जो अनुजीवी है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए घातिया कर्म अनुजीवी गुणों का घात करते हैं नुकसानदायक वहां पर है अघातीय कर्म परजीवियों का नुकसान पहुंचाते उतना हमें घात नहीं है हमसे तो दिक्कत नहीं है उस समय आकुलता व्याकुलता हमारी नहीं है पता है आपको सुनो ध्यान से सारा का सारा पुरुषार्थ घातिया कर्म को नष्ट करने के लिए है अघातिया को नहीं मरे मराए को नहीं मारा जाता वो तो, तो मरा ही हुआ है ठीक है ना लेकिन जो हमें मार सकता है उसके बचाव के लिए क्या किया जाता है पुरुषार्थ किया जाता है जो जो मर ही रहा है मरा मराया है उसे क्या मारोगे जो ही रहा है उसे क्या गिराओगे लेकिन जो हमें गिरा सकता है जो हमें मार सकता है उससे बचाव किया जाता है इसलिए घातिया जो हमारा घात कर रहा है हमारा हर समय ज्ञान का दर्शन का सुख का शक्ति का घात कर रहा है उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है कैसे जीव को जीव मानने से अजीब को अजीब मानने से क्योंकि जीव अजीब नहीं है और अजीब जीव नहीं है जब तक तेरी मान्यता में ऐसा ना आए जब तक तेरे ज्ञान में ऐसा ना आए और जब तक तेरे अनुभव में ऐसा ना आए ध्यान रखना मान्यता से भेद ज्ञान होगा भेद ज्ञान से मान्यता ठीक होगी भेद ज्ञान से मान्यता ठीक होगी और भेद विज्ञान से उस मान्यता में स्थिरता आएगी अनुभव आएगा भेद ज्ञान और भेद विज्ञान भेद ज्ञान सम्यक दृष्टि को होता है किसको होता है ज्ञानी को होता है किसको होता है भेद ज्ञान ज्ञानी को होता है और भेद विज्ञान आत्मज्ञानी को होता है तो समझो क्या कह रहे है? भेद ज्ञान ज्ञानी को होता है सम्य दृष्टि ज्ञानी है वो उसने भेद ज्ञान कर लिया क्या भेद ज्ञान कर लिया ये अलग ये अलग ऐसा भेद ज्ञान कर लिया ज्ञान से भेद कर लिया क्या कर लिया अपने सम्यक ज्ञान से ये जान लिया कि वर्ण आदि ये शरीर के हैं और जीव का ज्ञान दर्शन आदि जीव का है ऐसा दोनों मिक्स चीजों को ज्ञान से अलग कर दिया सुनो अनुभव से अलग नहीं किया किससे अलग किया तभी सम्मेद दर्शन होगा वरना सम्मेद दर्शन नहीं हो सकता दो मिक्स चीजों को ज्ञान से अलग नहीं करे तो संबंध दर्शन कभी नहीं हो सकता है तो उससे उसको अलग किया वस्तु को अलग नहीं किया ध्यान रखो अपने आत्मा को बाहर निकाल के नहीं रखना आत्महत्या हो जाएगी ऐसे नहीं करना है कैसे करना है ज्ञान से तेरा स्वरूप अलग है तेरा स्वरूप अलग है इसलिए ज्ञान से हमने अलग किया उसे हम भेद ज्ञान कहेंगे क्या कहेंगे ये विचार है और फिर आत्मा मात्र में स्थित रह जाना अब अलग कर लिया स्वरूप से ये जड़ है मैं चेतन हूं अब जड़ में दिमाग नहीं जाना जड़ में स्थिर नहीं होना जड़ में बिल्कुल भी विचार नहीं जाना अपा अपमी रदो अब आत्मा आत्मा में ही रत हो जाए ऐसा जब अनुभव हो जाए तो वो आत्म ज्ञानी बन जाता है आत्म ज्ञान बिना सुख ले से न पायो मुनिराज बना लेकिन तू अपा अपमी रदो नहीं हुआ इसलिए तू ज्ञानी तो रहा लेकिन सुनो ज्ञानी ही आत्मज्ञानी बनता है और आत्मज्ञानी ही केवल ज्ञानी बनता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है तो भेद ज्ञान की पहले कला सीखो भेद ज्ञान से भेद विज्ञान की कला सीखो और भेद ज्ञान भेद विज्ञान से और तो बताओ नहीं 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 सब तो सेटिंग करना पड़ती है भाई भेद ज्ञान से भेद विज्ञान और भेद विज्ञान से वितग विज्ञान छाला का मंगल चरण में है ना वीतराग विज्ञान कहां पहुंचना है आगे समझ में भेद ज्ञान भेद विज्ञान और परम अवगाड़ कहाँ पहुंच जाएंगे परम अवगाढ़ दिशा में पहुंच जाएंगे जो मैंने सुना था अरे यह तो वैसा ही वैसा है अब मुझे तीन लोग में कोई भी इस श्रद्धा से हटा नहीं सकता अनुभव हो गया स्वाद चख लिया ठीक है कुछ समझ में आ रही नहीं आ रही है हाँ जीवस्या जीवस्या जीव और अजीब में विशेषता नथी विशेषो नथी विशेषता नहीं रह जाएगी यदि तू भेद ज्ञान नहीं करेगा तो ये बात स्वीकार नहीं करेगा भाई जड़ का स्वरूप जड़ रूप है वण रूप है और चेतना का स्वरूप जानन हार जानन हार जानन हार है देखनहार देखन हार देखन हार है जब तक तू इस बात को जान मानेगा नहीं मान्यता में नहीं लाएगा सिद्धान में नहीं लाएगा तब तक तेरा कोई भी मुक्ति का कदम बढ़ने वाला नहीं है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी भेद ज्ञान है और मध्य की सीढ़ी भेद विज्ञान है और मंजिल में जाकर के बैठ जाना वितराग विज्ञान है कमरे में जाने के लिए जो पहली सीढ़ी चढ़ी वो भेद ज्ञान है क्या भेद ज्ञान है भाई यही रास्ता है ये रास्ता नहीं है इसी में पैर रखूंगा तो ऊपर पहुंचूंगा रास्ता नहीं है ये आपने भेद ज्ञान कर लिया ये क्या कर लिया रास्ते को सही कर लिया रास्ते में सही खड़े हो गए एक कदम बढ़ा लिया वो भेद ज्ञान हो गया और जब आपने पूर्वक चारित से अनुव्रतों से महाव्रतों से अपने आप को सामायिक से कायोसर्ग से आलोचना से प्रतिक्रमण से प्रत्याख्यान से दस धर्म से बाईस परसों को जीत करके बारह अनुप्रेक्षाओं से इस प्रकार से अपने आप को पावरफुल बनाया तो कहाँ पहुंच गए भेद विज्ञान में पहुंच गए अब भेद विज्ञान में पहुंच जाओ सुनो आधा रास्ता कवर हो जाने के बाद आधे की चिंता नहीं होती है अब तो आवाज आ रही कितना समय लगा अब तो एक चुटकी का कमाल है हाथी निकल गया अब क्या रह गई अब पूछ रह गई बस एक बार डुबकी एक बार डुबकी शुद्ध उपयोग में लगाया तो अंतर मुहूर्त में ही विज्ञान हो हो गया हो गया कौन बना ज्ञानी की आत्मज्ञानी बोलो तो क्या बनना तुमको ज्ञानी से क्या बनना है लाओ पीछे कमंडल हाथ में सीधी सीधी बात मुझे अपनी दुकान चलानी है भाई सीधी सीधी बात कि ज्ञानी से क्या बनना है आत्मज्ञानी और आत्मज्ञानी बिना निर्विकल्पता के बन नहीं सकते और निर्विकल्पता बिना बाह्य अंतरंग परिग्रह के अभाव के बिना नहीं हो सकते हो, हो, हो नहीं हो सकते हो नहीं हो सकते हो इसलिए आपको निर्विकल्प होने के लिए निर्विकार होने के लिए अंतरंग बहिरंग बुद्धि पूर्वक परिग्रह को छोड़ना पड़ेगा त्याग करना पड़ेगा आकिंचन भाव अपने में लाना पड़ेगा अन्यथा ज्ञानी रहोगे आत्मज्ञानी आत्मज्ञानी नहीं बनोगे आत्म की सच्ची निर्जरा होती है आत्मज्ञानी की सच्चे संबर होता है और आत्मज्ञानी ही पुरुषार्थ पूर्वक मोक्ष को प्राप्त करता है हमें इस पर पुरुषार्थ करना चाहिए प्रयास करना चाहिए जीव अजीब की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए भेद ज्ञान भेद विज्ञान और वितरा विज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए शेष विषय पर जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो शोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो तो हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रे जो तेरी शरणा धरे शो पावे कार्यक्रम पाठशाला के पुण्य अर्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर लोधी कॉलोनी दिल्ली